आज इस वीडियो में यार मैं आप लोगों को कुछ ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज बताने वाला हूँ जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कराए जा रहे हैं। और इन सर्टिफिकेशन की खास बात यह है, ये जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम के अंडर आते हैं जिनमें आप लोगों को जॉब लेने में भी हेल्प मिलने वाली है। जिन स्टूडेंट्स की कंप्लेन रहती है कि भैया हम लोग कोर्सेज तो बहुत सारे करते हैं बट जॉब नहीं मिल पाती है, उनके लिए स्पेशली वीडियो होने वाला है। और सबसे बेस्ट बात मैं आप लोगों को बताऊं, इन कोर्सेज के लिए आप सब लोग एलिजिबल होने वाले हो। 10th पास, 12th पास, ITI डिप्लोमा, UG, PG सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल आज इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। और इस वीडियो को लास्ट तक अगर आप लोग देखते हो तो मैं ये भी आप लोग को बताऊंगा, कुछ स्टूडेंट इन कोर्सेज को ऑलमोस्ट 100% डिस्काउंट में कर सकते हैं, फ्री में कर सकते हैं, 50% डिस्काउंट भी ले सकते हैं। वो वीडियो को लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे किस टाइप के कोर्सेज आप लोग को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कैसे आप लोग इन कोर्सेज के लिए इनरोल कर सकते हो और कौन कौन इनरोल कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए एक लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना, जो भी इस टाइम पे अपनी स्किल को इनहेंस करना चाहते हैं या फिर जॉब ढूंढ रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। तो ये जो कोर्सेज ट्रेनिंग्स आप लोग को प्रोवाइड की जा रही है वो एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग ANDT और NISST जो कि अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, वो आप लोग को ये ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये जॉब ओरिएंटेड सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं आप लोगों के लिए जिनमें आप लोगों को जॉब लेने पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ऐसी इंडस्ट्री रेडी स्किल्स आप लोग को सिखाई जाएंगी जो जॉब्स में आप लोग को जरूरत पड़ती हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कोर्सेज के नेम देख लेते हैं, कौन कौन से कोर्सेज आप लोग को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे आप लोगों को एडवांस सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग में, 6 मंथ्स का कोर्स है, 11,000 समथिंग फीस है, बट ये आप लोग फ्री में भी ले सकते हो, वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कैसे फ्री में ले सकते हो आप लोग। क्वांटिटी सर्वेयर का यहाँ पे कोर्स है मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियर वाले स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा मटेरियल कंट्रोलर का यहाँ पे कोर्स है, मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के कोर्स है, इंजीनियरिंग डिजाइनिंग के कोर्स है। बेसिकली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे ज्यादातर कोर्सेज निकाले गए हैं। अगर आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं तो आप लोग एक बार इन कोर्सेज को चेक कर सकते हो सकता है आप लोग के लिए हेल्पफुल रहे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1 मंथ से लेकर 12 मंथ्स तक के कोर्सेज आप लोग को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यहाँ पे हर एक कोर्स के फीस भी आप लोग के लिए मेंशन की गई है। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, कौन कौन अप्लाई कर सकता है इन कोर्सेज के लिए, तो यहाँ पे देखो 10th पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ITI वाले स्टूडेंट भी और डिप्लोमा UG PG पास आउट स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं इन कोर्सेज के लिए। रजिस्ट्रेशन 21 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी थी और लास्ट डेट 25 जून होने वाली है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो 25 जून से पहले पहले रजिस्टर कर लेना इन कोर्सेज में। अगर आप लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ यहाँ पे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज को करना चाहते हो तो रजिस्टर आप लोग आज ही कर लेना। यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो 2 तरीके से यहाँ पे एडमिशन दिया जा रहा है इन कोर्सेज में। एक तो एक एंट्रेंस एग्जाम ऑर्गेनाइज करा रही है 29 और 30 जून को, जिसके बेसिस पे यहाँ पे स्टूडेंट को सिलेक्शन मिल रहा है। दूसरा, यहाँ पे मेरिट बेस भी ये सिलेक्शन ले रहे हैं। मान लो आपके 10th 12th में अच्छे परसेंटेज रहे हैं तो आप लोग डायरेक्टली भी एडमिशन करवा सकते हो अपनी परसेंटेज के हिसाब से। जो लोग एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं उनको यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम फीस 125 रुपीज देनी होती है जनरल के लिए, और OBC वाले कैंडिडेट 100 रुपीज दे सकते हैं जो कि काफी कम है, और फीमेल्स के लिए तो ओनली 50 रुपीज है यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम की फीस। और जो बच्चे मेरिट बेस्ड सिलेक्शन कराना चाहते हैं इन कोर्सेज में उनके लिए ये बेस्ट चीज है कि आपको 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस देना होता है, बट जो आप फीस देते हो वो रिफंडेबल अमाउंट है, जो कि आपकी जो अगर सीट अलॉटमेंट नहीं होता है किसी कोर्स में तो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। अगर सीट अलॉट हो जाती है तो आपकी जो फीस है उसमें यहाँ पे वो कर लिया जाए है, वो आपको बता दिया जाएगा किस तरीके से आप लोगों की मार्क्स काउंट किए गए हैं, कितने आपके परसेंटेज बने, वो आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा उस चीज में। अगर हम बात करें किस टाइप से आप लोग इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो, ये जो कोर्सेज है वो क्लासरूम में भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो और हाइब्रिड मोड में भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर हम बात करें क्लासरूम में कैसे ज्वाइन कर सकते हो तो NISST का कैंपस है जो कि ये एड्रेस मेंशन है, यहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। और ऑनलाइन में तो आप लोग अपने मोबाइल फोन से इन कोर्सेज को कर ही सकते हो। काउंसलिंग की बात करें तो 5 से लेकर 9 जुलाई में फर्स्ट काउंसलिंग होगी, सेकंड काउंसलिंग 15 से 19 जुलाई के बीच में, थर्ड काउंसलिंग 22 से 25 जुलाई के बीच में, और आपकी 5 अगस्त से ये कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे जितने भी मैंने आप लोग को बताए। ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप लोग को हॉस्टल फैसिलिटी भी इन कैंपस में प्रोवाइड की जा सकती है, और इस तरीके से आप लोग इन कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट इनरोल करना चाहते हैं जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज में उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी ये होने वाली है। अब बात करते हैं, जैसे मैंने आपको कोर्स भी समझा दिया, एलिजिबिलिटी भी समझा दी, इन कोर्सेज को आप फ्री भी कैसे कर सकते हो। देखो आप लोगों को यहाँ पे एक मौका दिया जा रहा है इन कोर्सेज को फ्री में लेने का।
वो कैसे ले सकते हो, यहाँ पे इनकी तरफ से देखो आप लोगों के लिए फ्री स्कॉलरशिप भी ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। यहाँ पे एक इनका स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसमें अगर आप लोग एंट्रेंस एग्जाम देते हो और टॉप 5 रैंक होल्डर आप लोग रहते हो, जो भी टॉप 5 पोजिशन में स्टूडेंट रहते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, उनको 100% फी वेवर मिल जाएगा, यानी उनकी जो फीस है वो 100% डिस्काउंट में मिल जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग यहाँ पे कोर्सेज कर पाओगे, 100% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा टॉप 5 रैंक होल्डर अगर आप रहते हो। अगर आपकी रैंक 6 से लेकर 10th के बीच में रहती है तो आप लोगों को 50% डिस्काउंट मिल जाएगा कोर्स की फीस में, ये भी अच्छी बात है। बाकी देखो अगर आप लोगों का इन कोर्सेज में एडमिशन हो जाता है तो टाइम टू टाइम इनकी तरफ से और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे एक्सेप्शनल अटेंडेंस की स्कॉलरशिप हो गई, पंक्चुअल असाइनमेंट सबमिशन की स्कॉलरशिप हो गई, आपके बिहेवियर से रिलेटेड स्कॉलरशिप हो गई, आउटस्टैंडिंग एकेडमिक अचीवमेंट से रिलेटेड ये स्कॉलरशिप हो गई। मान लो देखो एंट्रेंस एग्जाम आपका अच्छा नहीं जाता तो भी आप लोगों के पास मौके होंगे बाद में भी यहाँ पे अलग से स्कॉलरशिप लेने के, तो एक बहुत अच्छा मौका मैं कह सकता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, जो भी नई स्किल सीखना चाहते हैं वो जरूर अप्लाई करो स्कॉलरशिप के लिए। अगर हम लोग बात करें एंट्रेंस टेस्ट में आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस टाइप से आप लोग का एंट्रेंस टेस्ट रहने वाला है, तो यहाँ पे आप लोग को एक फाइल दी गई है नोटिफिकेशन ऑफ जॉब ओरिएंटेड, इस फाइल को डाउनलोड कर लेना आप लोगों को, और यहां पे आप लोगों के टेस्ट से रिलेटेड सब कुछ मेंशन किया है कि स्कॉलरशिप में आप लोगों के किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे और नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, टोटल यहां पे आप लोगों का ड्यूरेशन 40 मिनट्स मिलने वाला है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मेंशन है, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, मैथ इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे, यहां पे सब कुछ मेंशन है। तो ये वाली फाइल डाउनलोड करके आप लोग पढ़ लेना। और अगर हम लोग स्कॉलरशिप की बात करें तो यहां पे देख सकते हो जो 2024 के जनवरी सेशन था वहां पे 20 स्टूडेंट्स को यहां पे इनकी तरफ से स्कॉलरशिप मिली थी, तो स्कॉलरशिप के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। इन कोर्सेज में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप लोग ट्राई कर सकते हो यार इनके एंट्रेंस टेस्ट को देके, जिससे हो सकता है आप लोग का सिलेक्शन हो जाए, और अगर आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग इन कोर्सेज को कर सकते हो। अगर हम बात करें रजिस्ट्री कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन लिंक आप लोग को वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहां पे क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन पे आप लोग को क्लिक करना होगा। सबसे पहले इनके एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए आप लोग को यहां पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहां पे आप लोग एक बेसिक सा फॉर्म फिल कर सकते हो, उसके बाद की सारी प्रोसेस आप लोग को यहां पे नेक्स्ट करने पे दिखाई दे जाएगी। इस तरीके से आप लोग इनके एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्टर कर सकते हो अपने आप को, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आज ही चेक कर लेना। 25 जून इज द लास्ट डेट। इस वीडियो में गाइस बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।